हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मैंने काली मिर्च पनीर बनाया है। तो ये मैंने कैसे बनाया है चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ मैंने लिया है प्याज कटा हुआ, मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और यहाँ पर मैंने टमाटर लिया हुआ है, टमाटर को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और यहाँ पर मैंने लहसुन और हरी मिर्च और अदरक ये भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और हमें लेमन का रस चाहिए, ये मैंने नींबू लिया हुआ है। और यहाँ पर देगी मिर्च थोड़ी सी डालेंगे। और यहाँ पर खड़े मसाले हैं कुछ, दालचीनी है, काली मिर्च है और लौंग है, और ये सारे मसाले हैं। और मैंने थोड़े केसर के पत्ते लिए हैं, और ये तेजपत्ता है, ये काजू है। और यहाँ पर मैंने कस्तूरी मेथी को रोस्ट कर लिया है थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने खड़ी काली मिर्चें पीसी हुई हैं। और ये हमने लिया है पनीर। और हमें कुछ मसाले चाहिए जो इसमें से हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें गरम मसाला, धनिया और मिर्ची अगर डालें अपने स्वादानुसार, और हल्दी, नमक, जीरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है, और इसमें मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है। और इसमें मैं डालूंगी कुछ खड़े मसाले। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन है, तो ये मेरे हस्बैंड है। आज संडे है तो ये मेरी हेल्प करवा देते हैं थोड़ी बहुत। और इसमें हमने डाल दिया है तेज पत्ता और थोड़ी सी हींग डाली है। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। इसको एकदम मीडियम आँच है इसकी, और फिर इसमें डाल दिया था जो मैंने काटा था प्याज, वो भी मैंने डाल दिया है इसमें। और फिर हम इसे अच्छे से चलाएंगे। इसको अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू जो हमने लिए थे। और इस प्लेट में अब रह गए हैं केसर के 2-4 पत्तियाँ जो मैंने निकाली थी। और अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, काट के डालूंगी। ये सारा मुझे मिक्सी जार में ग्राइंड करना है। तो मैंने धनिया को धो लिया था, और मैं इसे कैंची की हेल्प से इसमें मैं कट करके डाल दूंगी। धनिया को डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे, और हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए फिर मैं इसमें डालूंगी जो मैंने टमाटर को कट किया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर इसे खूब अच्छे से भूनना है। मसाला हमारा यहाँ पर भुन रहा है, तब तक मैं काट लेती हूँ पनीर। और पनीर हमें ज़्यादा छोटा नहीं काटना है। पनीर हमारा यहाँ कट गया है, मैंने ज़्यादा छोटा नहीं काटा है, मोटे मोटे पीस रखे हैं इसके। पनीर को कट करने के बाद हम आ गए हैं अपने मसाले की तरफ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है धनिया, और इसमें मैं डालूँगी हल्दी, और मैं डालूँगी इसमें देगी मिर्च। देगी मिर्च से कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरीके से आप पनीर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है आपका पनीर। तो फिर हम इसे अच्छे से, इन मसालों को सबको अच्छे से भूनेंगे, और फिर हम इसे मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, और ये हल्का सा गर्म है, और मैंने इसे मिक्सी जार में निकाल लिया है। और मैं इसको थोड़ी देर में पीस लूँगी। और मैंने अपना मसाला ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं एकदम थिक है। और फिर मैं इसमें डालूंगी हल्का सा घी, हमें ये घी में बनाना है और बटर में बनाना है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था बटर, और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला था घी। घी और बटर डालने के बाद मैंने जो ग्राइंड किया था मसाला वो मैंने इसमें डाल दिया है।
और मैंने सेम कढ़ाई उसी में ही मैंने सब कुछ कर दिया था। और ये हमारी ग्रेवी है, इसमें अच्छे से उबाली आ रही है और मैंने गैस को कर दिया है सेम, और इसे अच्छे से उबाली दिलाएंगे। और इसमें मैंने काली मिर्च रोस्ट करके पीसी थी, वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी कस्तूरी मेथी जो मैंने रोस्ट करके और हाथों से रफ कर कर डाली है, और इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और फिर मैं डालूंगी इसमें मलाई, मैं 3-4 चम्मच के करीब डालूंगी इसमें मलाई। इससे पनीर की ग्रेवी बहुत अच्छी होती है और पनीर का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अगर आप पे मलाई ना हो तो आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास खोया नहीं था तो मैंने मलाई का यूज़ किया है। अब यहाँ मैंने जो पनीर को कट किया था मैं वो भी इसमें डाल दूंगी। और इसमें पानी का यूज़ थोड़ा ही करना है, आपने अगर ऐसी ही ग्रेवी खानी है तो पानी का यूज़ ना कीजिए। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था क्योंकि मुझे थिक लग रही थी, हम लोगों को राइस के साथ खाना था। इसमें मैं डालूंगी लेमन का रस जो मैंने इस चम्मच में निकाल लिया है, और जो हमने केसर के पत्ते लिए हुए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको जितना खट्टा खाना है आप उतना रस मिलाइए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और केसर के पत्ते से पनीर का कलर एकदम अलग लगता है। अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद नमक, और फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक। तो काला नमक किसी भी सब्जी में डालें तो उससे स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। कभी भी इस ट्रिक को आप करके देखना, फिर मुझे बताना कमेंट करके। इन मसालों को डालने के बाद हम पनीर को अच्छे से चलाएंगे, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी, और फिर मैं इसे अच्छे से उबाली दूंगी, और फिर हमारा पनीर रेडी है। अगर यह वीडियो मेरा आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और मैं मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉच।